मास्टर अनस खान के बाद में मैं वापस जो है रशीद भाई के पास आना चाहूंगा। उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, शायद थकान वगैरह कुछ हो गई थी, वरना बोलने के तो बहुत मास्टर हैं। रशीद भाई, अब मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे दर्शकों को आप कश्मीर के बारे में बताएं। यार, कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की हुई कि यहाँ लोग मुझे खुद को कश्मीरी बोलने लगे। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, वो मानने को तैयार नहीं है, बाहर से आया हूँ, यही बोलते हैं तुम यही कश्मीरी। और सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा सबको। और सभी से गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, यहाँ जिंदगी में एक बार जरूर आए। पर हमारे रशीद भाई के होने से आपको बहुत फायदा मिला है कश्मीर में। दीदी, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, लोगों ने हमारा खूब सपोर्ट करा और इनको कश्मीरी ही समझा। हमारा हमको ये लग रहा है कि बचपन के बिछड़े हुए कश्मीर से आए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं बचपन में कश्मीर से इनके उधर चले गए थे एमपी में। मैं दीदी आपकी बात रुकते हुए ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बजरंगी भाईजान जो फिल्म बनी थी उन्हीं के का एक पार्ट जैसे लगता है कि रशीद भाई भी शायद बचपन में ट्रेन में खो गए थे और वो इधर कश्मीर ना आते हुए यहाँ से जो है एमपी में आ गए थे और वापस से कश्मीर में आए तो यहाँ के लोगों ने इनका काफी अच्छा स्वागत किया। एक बहुत अच्छी बात है ये। चलो सर, नहीं ये मेरा जो मैं बोल नहीं पा रही थी उसको पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो धन्यवाद दीदी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, सब लोग मेरा धन्यवाद अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं विशेष तौर से आप मेरी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि अगर इनका उत्साह और इनका साथ मुझे ना मिला होता तो मैं शायद कभी इतनी बड़े प्लानिंग नहीं कर सकता। और बहुत बड़ा साथ दिया इन लोगों ने और बहुत अच्छी उत्साह और हिम्मत के साथ में डटे रहे और इस टूर को कामयाब बनाने में इन सभी लोगों का धन्यवाद है। मैं कुछ नहीं था, लेकिन इन लोगों की वजह से आज ये पूरा टूर सक्सेस हुआ है। और हमारे रशीद भाई भी कुछ कहना चाहेंगे? बोलो। मैं अपनी पूरी टीम, पूरे ग्रुप की तरफ से पूरे देशवासियों को एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक गीत की कुछ लाइनें सुना कर कि पैगाम मोहब्बत का हम दिल से लाए हैं, चाँद में आपकी हम खुशियाँ लाए हैं, आपकी राहों में हम फूल बिछाएंगे, खुशबू से हम अपनी सबको महकाएंगे। हम रतलाम वासी हैं, बड़े दिल से आए हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत हम फैलाएंगे, पैगाम मोहब्बत का हम दिल से लाए हैं। हम चांद तारों सी महफिल सजाएंगे, शम्मा मोहब्बत की हम दिल से जलाएंगे, हम अपने लफ्जों से जाम लुटाएंगे, हर बूंद मोहब्बत की हम सबको पिलाएंगे। हम रतलाम वासी हैं, बड़े दिल से आए हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत हम फैलाएंगे, चांद सूरज को हम मिलाएंगे, चलती हवाओं की तस्वीर बनाएंगे, कश्मीर की वादियों से हम लिपट जाएंगे, तूफानों में भी हम समा जलाएंगे, पैगाम मोहब्बत का हम सबको सुनाएंगे। हम रतलाम वासी हैं, बड़े दिल से आए हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत हम फैलाएंगे। अरे वाह, हो गया स्टार्ट। तो आप सभी लोगों ने देखा कि ये मेरे साथ की टीम के ये सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो आपको कल और जो यहाँ के जो एक्सपीरियंस रहेंगे सोनमर्ग वगैरह के वो सब शेयर करेंगे। अब रात के लगभग 1 बज चुके हैं तो सब सो चुके हैं, इसलिए कल बाकी का इंटरव्यू हम उनसे लेंगे। और सब मेरी पूरी टीम को, मेरे सब साथियों को धन्यवाद और गुड नाइट।